हमें मिले यार अमित ठाकुर भाई, जिन्होंने लिफ्ट दी है हमें शिमला टू तत्ता पानी के लिए। और यार इसी बीच में इतनी हसीन वादियों के बीच से भाई घुमा के ले जा रहा है यार। भाई आज तक ना मैंने जंगली पेड़ों के जंगल देखे हैं, फ्रूट का जंगल पहली बार देख रहा हूँ यार। वो माहुनाग जो जगह है वो दानवीर करण देवता जो है उनका अवतार माना जाता है। ये युग के समय से मंदिर में रखा हुआ है और मंदिर में जो दाना गंदम का दाना है उसका वजन लगभग 100 से 150 ग्राम तक का वजन है उसमें। आप बताएं आपने लोकल व्यंजनों का जो है यहाँ माहुनाग मेले में सजा रखा है, क्या क्या बनाया हुआ? सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज की शुरुआत होती है यार शिमला से। दिस इज द शिमला और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से स्पीति वैली के लिए। स्पीति वैली के बीच में बहुत सारे ऐसे स्पॉट आने वाले हैं जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, देन कैंपिंग करने वाला हूँ। और स्पीति वैली के लिए सबसे पहले लिफ्ट कॉमर्शियल गाड़ी में। ब्रदर आपका गुड नेम? राजीव जी ने। और सबसे बड़ी चीज ना, भजन सुना के ब्रदर ने मेरे को मन मतलब खुश कर दिया यार। सबसे पहले राधे कृष्ण वाला सुनाया ना, मजा आ गया एकदम बैठते से। सो थैंक यू सर, और मिलते हैं फिर। ओके ये इनकी कॉमर्शियल गाड़ी है जो ऑलरेडी ये रेंट पे चलाते। देन आपका नंबर बता दीजिए एक मिनट के लिए। 8263815000। ओके, अगर आपको कांटेक्ट पहले से भी करते हैं तो भी आप बुकिंग ले लेते ना। चलिए, वैसे शिमला अगर कोई आता है ना तो आपका रिकमेंड करूंगा मैं, कन्फर्म। थैंक यू। सो शिमला से थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली हमें मिले यार अमित ठाकुर भाई, जिन्होंने लिफ्ट दी है हमें शिमला टू तत्ता पानी के लिए। और यार इसी बीच में इतनी हसीन वादियों के बीच से भाई घुमा के ले जा रहा है यार, खतरनाक। मैं एक्चुअली इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे आने के लिए ना हमेशा तरसता था यार कि यार बस पहाड़ हो, हरी हरी घास हो जिधर देखो उधर, और बस एकांतवास हो, कोई ज्यादा लोग ना मिले। और वैसा प्लेस है भी है ना, बस आपके एकांतवास की शुरुआत हो चुकी है अब आप कंदमूल खाना और कैंप में रहने की तैयारी कर लो, आपको नेचुरल पानी पिलाता हूँ। अरे वाह, चलो यार इसी बीच में पहाड़ों वाला पानी भी मिल गया यार। सो यार ये आ रहा है पानी सीधा पहाड़ों से रिश्ते हुए, जैसा हमेशा पीने का ये रहता है मेरा मन। हाय, अरे बाय लगा। जितनी फैसिलिटीज पानी और बिजली से रिलेटेड हमारे इधर समतल जमीन पे नहीं है ना, उससे बेस्ट फैसिलिटीज इधर उत्तराखंड और हिमाचल में मैंने देखी। मतलब एक घर भी है तो भी वहाँ पर लाइट है और पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है ना, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, लाइट और पानी तो इंटरकनेक्टेड है, एटलीस्ट इतना तो देना ही होता है। यहाँ पे भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास काफी सारे, सतलुज पे काफी लगे हैं। अच्छा, किन्नौर में काफी लगे हैं। इधर सतलुज करके एक रिवर भी आती है ना, तत्ता पानी सतलुज रिवर। अच्छा अच्छा, हाँ वो साथ में जो बैरी होगी वहाँ पे रिवर, वो सतलुज, वो सतलुज नदी है। सतलुज मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ तत्ता पानी वो सतलुज नदी वहीं से होकर निकल रही है, वहाँ से होकर जा रही है का एक्चुअली मतलब उद्गम। और कहीं से? हाँ, उद्गम तो वो किन्नौर आती है, किन्नौर होते हुए आती है। ओके, तिब्बत से होके आती है देन पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान होते हुए आती है? भाई आज तक ना मैंने जंगली पेड़ों के जंगल देखे हैं, फ्रूट का जंगल पहली बार देख रहा हूँ यार। किस जंगल में सबसे ज़्यादा पेड़ अगर आपको मिलेंगे ना तो अनार के मिलेंगे यार, जिधर देख लो आप उधर पूरे अनार ही अनार के पेड़। अभी फ्लावर आए हैं, मे बी एक या दो महीने में हो जाएंगे लायक हैं। कितने सारे पेड़ है, हर दूसरा तीसरा पेड़ में हर दूसरा भी कहाँ मैं वो बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा पेड़ अनार की लग रहा है इसमें। 90% अनार के पेड़ लग रहे हैं इस पूरे जंगल में। इसको बोलते हैं यहाँ की भाषा में दाड़ू। अच्छा, दाड़ू। दाड़ू ओके, अनार का एक छोटा वो है प्रजाति। ओके ओके, इससे वो अनारदाना जो रहता है ना चटनी वगैरह में डालते हैं। अच्छा, लाइक मतलब होगा सेम अनार की तरह ही देखने में, लेकिन उसको छोटा और खट्टा होता है ये, और तो खटाई के लिए यूज होता है यहाँ पे। अच्छा, सो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ कहाँ पे, एक्चुअली तत्ता पानी। यहाँ से वो दिख रहा है ना, वो तत्ता पानी वाली जगह है वो एरिया। और
मैं कुछ 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे हूँ यहाँ पे, और अमित भाई ने छोड़ दिया था मेरे को एक यहाँ पर, एक छोटा सा एक कस्बा पड़ा था यहाँ तक। अब यहाँ से मेरे को जाना है, मे बी पैदल हो सकता है, लिफ्ट भी मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आज रुकना है नहीं रुकना है वो डिसाइड होगा वहीं पर चल के। भाई चलते चलते देखो कितना खूबसूरत सा पेड़ गुलाब का, मन कर रहा है तोड़ लूं, लेकिन यार नहीं तोड़ना चाहिए फूलों को। सो ब्रदर, तत्ता पानी के कुछ 5 किलोमीटर पहले जहाँ पर अमित ठाकुर भाई ने मुझे उतारा था, उसी के जस्ट थोड़े देर के बाद मुझे मिलते हैं सर। गुड नेम सर आपका? नरेंद्र शर्मा जी। और सर हैं ऑलरेडी एक एज अ पत्रकार जो पूरा हिमाचल को कवर करते हैं, और किस इससे सर? मैं दिव्य हिमाचल से। दिव्य हिमाचल से हैं, और इनके साथ मेरा सफ़र स्टार्ट होता है। मैं एक्चुअली आज स्टे करने वाला था तत्ता पानी में, लेकिन भाई बाई लक इन्होंने मुझे ये बताया कि आज ही एक दो दिन अभी एक लोकल एक मेला चलने वाला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है इधर। सो आज मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। जो जगह का नाम कौन सी है सर? ये महूनाग, महूनाग करके एक बहुत जगह है जहाँ पर एक तरीके से कुल देवता महूनाग दानवीर करण देवता श्री मूल महूनाग। अच्छा। सो आज वहाँ पर एक मेला लगा हुआ ऑलरेडी, और जो तीन दिन तक चलता है ना सर? ये 5 दिन चलेगा और आज इसका उद्घाटन होगा। अच्छा, आज उद्घाटन है उसका। सो आज बहुत बड़ा फंक्शन भी है, कल्चरल प्रोग्राम भी है वहाँ पे। सो उसको कवर करने के लिए सर जा रहे हैं। सर सर ने बताया तो मैंने बोला यार मैं भी क्यों ना चलूँ, मैं भी तो थोड़ा सा एक लोकल जो कल्चर होता है वो भी मेरे को देखने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को देखना मतलब मिलने का मौका मिलेगा, तो मैं भी सर के साथ हो लिया। और वहाँ आपको हिमाचल का जो फोक है वो भी देखने के लिए मिलेगा। ओके। हिमाचल का कल्चर जो है बड़ा एक समृद्ध कल्चर है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके। और सर ने जैसे कि एरिया के बारे में बताया कि ये एरिया जो है ना, ये एक्चुअली पर्टिकुलरली अगर फ्रूट में बात करें तो अनार दाना करके एक फ्रूट होता है जो अनार के जैसे ही होता है, लेकिन जिसमें जो छोटा होता है, अनार से छोटा होता है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है पूरे इंडिया में तो वो हिमाचल से एक्सपोर्ट होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं एप्पल के भी बगीचे। हाँ बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। अनारदाना का जो यहाँ कारोबार होता है या किसान लगाते हैं वो अनारदाना पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। अच्छा जी। और वो भी एक तरह से जो है वो फाइनेंस के लिए, आर्थिकी के लिए किसानों को काफी मदद करता है। एप्पल के बारे में सर ने बताया कि एक्चुअल जो पके हुए, जो नेचुरल पके हुए एप्पल मिलते हैं वो मिलते हैं अगस्त के बाद। अगर आप कोई भी अगर एप्पल खरीद रहे हो, मतलब वो आप समझ जाना कि आपको नेचुरल पके हुए मिलने वाले हैं, अदरवाइज इसके पहले अगर आप खरीद रहे हो तो ये सोचना कि वो समय से पहले तैयार किए गए होते हैं। एक्चुअली जहाँ महूनाग करके मंदिर जा रहे हैं ना, तो उसका हिस्ट्री क्या है वो थोड़ी सी हम आपको बताएंगे। देन उसके बाद कौन सा आपने जगह बताया? ममलेश्वर महादेव। देन वहाँ की भी थोड़ी सी हिस्ट्री सर बताएंगे। देन ये दोनों चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ अगले व्लॉग में, लेकिन आपको इसका एक हिंट दे देता हूँ ताकि आप जरूर उस व्लॉग को देखें और हिमाचल के कल्चर के बारे में देन हिस्ट्री के बारे में जरूर जाने यार। सो महूनाग के बारे में सर हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा, ये हम आपको बता रहे हैं जो जिस जगह पे अभी जा रहे हैं सर जी, वो महूनाग जो जगह है वो दानवीर करण देवता जो है उनका अवतार माना जाता है ये। okay. जो महूनाग जी हैं। okay. और महूनाग जी का जो मंदिर है ये ऐसा माना जाता है मान्यता को पूरी करने वाला मंदिर है। अच्छा। बहुत प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा। और इस मंदिर में विशेष तौर पर जो है वो सांप के कटे हुए का इलाज होता है। ओके। ऐसा बताया जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई सांप काट लेता है अच्छा, तो इस मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं या उस व्यक्ति को मंदिर में लाया जाता है अच्छा, तो जो हमारे दानवीर करण देवता श्री मूल महूनाग हैं उनके आशीर्वाद से उसका जहर जो है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो उस जो पीड़ा को या उस जो दुख है उसको महूनाग जो देव हैं दानवीर करण देवता उसको हर लेते हैं। अच्छा। इसीलिए इनको जो है वो श्री मूल महूनाग भी कहा जाता है। नाग शायद इसीलिए कहा जाता है कि नागों के राजा भी हैं। अच्छा। और दानवीर करण देवता का अवतार हैं। अच्छा। और ये महूनाग का मंदिर जो है वो कशोक की सबसे ऊंची चोटी पर जो है वो स्थित है और बहुत मान्यता है, पड़ोसी राज्यों से भी जो लोग हैं इस मंदिर में आते हैं। अच्छा।
देन दूसरा जो मंदिर आपने बताया था उसके बाद जो कशोक का एक और मंदिर है जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे है जी जी। वो देवों के देव ममलेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। ओके। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो लगभग 5,000 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है। ओके। इस मंदिर की मान्यता ये कही जाती है कि जैसे इस मंदिर में कोई छेड़छाड़ जो है वो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जो अंदरूनी भाग है उसका okay. उसके साथ आज तक कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मतलब एज इट इज 5,000 साल पहले जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था एज इट इज वैसे ही अभी तक रखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ। और ऐसा भी जो है इतिहास में लिखा हुआ है okay. कि जो ममलेश्वर महादेव का मंदिर है okay. ये मंदिर जो है जो मूर्ति है अंदर वो पूरे शिव परिवार की एक ऐसी मूर्ति है जो पूरे विश्व में वो इसी मंदिर में है, किसी और मंदिर में वो स्थापित नहीं है। कारण यही है कि वो शिव परिवार की मूर्ति है okay. और ऐसा भी बताया जाता है कि जो लंकापति रावण थे जी जी। उन्होंने ये मूर्ति बनवाई थी और भगवान परशुराम जो हैं उनके हाथों से स्थापित जो है पांडवों ने करवाई है अज्ञातवास के दौरान जो है ये मूर्ति का स्थापना हुई है okay. और ऐसे जो करसोग एरिया है जिला मंडी का जो एरिया है जी जी। ये इस एरिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पांडव जो हैं अज्ञातवास के दौरान उन्होंने समय बिताया है। अच्छा। और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं वो स्टोरीज हैं करसोग के साथ जुड़ी हुई, तो वो भी मैं आपको आगे रास्ते में चल के बताता हूँ। पर जो देवों के देव ममलेश्वर महादेव का मंदिर है जी। वो बड़ा हिस्टोरिकल है। वहाँ पर जो गंदम का दाना जो है उस जमाने से सतयुग के समय से मंदिर में रखा हुआ है। और मंदिर में जो दाना गंदम का दाना है उसका वजन लगभग 100 से 150 ग्राम तक का वजन है उसमें। अच्छा। और वो आज भी वो एज इट इज गंदम का दाना है, उसको देखने से साफ पता चलता है कि वो गंदम का दाना है। ओके। परंतु लोगों से अब कई दफा ऐसे होता है कि जब कोई देखता है तो नाखून से निकालता था, तब उसको उन्होंने जो है सुरक्षित कर दिया है एक डिब्बी में। अच्छा। पर देखा जाता छूने नहीं देते हाँ छूने नहीं देते हैं, देख सकते हैं पर देखने से पता लग जाता है कि वो गंदम का दाना है। ये जो आपने बोला गंदम एक्चुअल में है क्या, वो ये कनक हाँ कनक का दाना है। अच्छा। मतलब वो ये इस चीज का एक साक्ष्य है, सबूत है हाँ। कि वो उस जमाने में गंदम जो है या कनक का दाना इतना मोटा दाना जो था हाँ। उस समय का जो अनाज है वो इस तरह से होता था। मतलब 100 से 150 ग्राम का एक दाना मतलब कितना बड़ा हो सकता हाँ। है यार, ये बहुत अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है। और जो शिव परिवार की मूर्ति है ये मैं आप आज आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कल जाओगे या आज जाओगे तो आप जब मूर्ति को देखोगे तो आप खुद बोलेंगे हाँ। तो ऐसी मूर्ति जो है शायद ही कहीं देखने को मिलेगी, अमूल्य मूर्ति है जी। तो आप आपके ब्लॉग के माध्यम से जरूर जो है पूरी दुनिया देखेगी। जरूर जरूर सर, हम दिखाएंगे भी सही ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाने के लिए निकले भी है। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये तो रहा थ्योरिकल, लेकिन आपको प्रैक्टिकल और बाई लाइव आपको अगले ब्लॉग में बहुत अच्छे से दिखाने वाले हैं। सो इस ब्लॉग और साथ में अगले ब्लॉग को जरूर देखना यार। सो बढ़ते और आगे और पहुँचते यार मंदिर में सीधे। सो मैं हूँ मेले में यार, और मेले में एक जगह एक स्टॉल ऐसा भी है जिसके बारे में पूरी जानकारी मैडम ही बताएंगे। सो मैडम से पूछेंगे सर सवाल और जवाब देंगे मैडम। आपका दिव्या माता जी बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं आपने लोकल व्यंजनों का जो है यहाँ मौनाग मेले में सजा रखा है, क्या क्या बनाया हुआ? सर आज तो राजमा की दाल है और साथ में कढ़ी है और चावल है। विशेष क्या बनाया? आज अभी मक्की की रोटी बनाएंगे और पोते की रोटी बनाएंगे और उसके साथ सरसों का साग बनाएंगे। जो लोकल व्यंजन है वही परोसेंगे? हाँ जी हाँ जी, वही परोसेंगे। तो आप इस कार्य को जो है क्या रोजगार की तरह से किस तरह से देखते हैं आप? आज अभी तो पहली बार कर रहे हैं, अभी रोजगार के तौर पर ही करेंगे। तो आ रहे हैं लोग बहुत? जी जी बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ जी बहुत पसंद कर रहे हैं, बोलते हैं लोकल घर की तरह जैसे घर में खाना मिलता है उस तरह लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सो भाई मंदिर और मेले दोनों जगह पर पहुंच तो गए थे, लेकिन स्पेशली व्लॉग मैं शूट करने वाला हूं पूरे प्रोग्राम का, अलग देन पूरा मेला और पूरा कार्यक्रम मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।